आधार कार्ड अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर सर्च लेना। कीजिए UIDAI स्टोर हो जाएगा, उस पर क्लिक की जी लैंग्वेज होगा वो सेट नहीं कीजिए, रहेगा, आप इसे काट कीजिए, आधार पे क्लिक कीजिए, उसके बाद अपडेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिए, लॉग इन पे क्लिक कीजिए, आधार कार्ड के जो नंबर है वो एंटर कीजिए, उस कैप्चर रहेगा उस कैप्चर को देख कर फिलअप कीजिए, आप सेंड OTP पे क्लिक कीजिए, मेरे पास OTP आ चुका है, उसको OTP दे करके लॉग इन पे क्लिक कीजिए। लॉग इन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का ऑप्शन आएगा, देखिए अपडेट डॉक्यूमेंट, उसके बाद देखिए दिस सर्विस इज फ्री डेट भी दिखाई दे रहा है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आधार कार्ड का डिटेल्स आएगा, आपको डिटेल्स दिखाई देगा, उसके बाद टिक मार्क कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब देखिए मिनिमम साइज डॉक्यूमेंट जो साइज होगा आपको 2 MB होना चाहिए, उसके बाद आप कोई भी दे सकते हो, आपको देख सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप पे कोई भी सिलेक्ट कीजिए, आपको देख उसके बाद व्यू एंड सबमिट डिटेल पे एवं कंटिन्यू अपलोड पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ जो होगा उसे ओपन कीजिए, सिलेक्ट करके ओपन कीजिए, इन एड्रेस प्रूफ के लिए आप मैं भी वोटर कार्ड भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके पर क्लिक कीजिए, उसके बाद व्यू एंड सबमिट पे क्लिक कीजिए, कंटिन्यू टू अपलोड, उसके बाद DOC 2 पे क्लिक कीजिए, उसके बाद टिक चिन्हों पे क्लिक कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा, सबमिट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद एस्टिमेटेड टाइम देखिए हो रहा है, ये डाउनलोड एक्नोलेजमेंट से।